गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 तक हमने सब टॉपिक क्लियर किए थे। ओके, अब हमारी एक्सरसाइज 4.5, उसके जो हमने आगे का सेशन किया था उसमें हमने उसका एडजॉइंट ऑफ एक कैसे निकालते हैं हमने उस पर डिस्कशन किया था। ओके, देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एडजॉइंट। ये एड जॉइंट के ऊपर से हम फाइंड करेंगे इनवर्स, और इनवर्स का जिसके हम करेंगे सॉल्व इक्वेशन। ओके, तो ये सारे जो टॉपिक है, एड जॉइंट, इनवर्स और सॉल्व द इक्वेशन, ये सारे एड जॉइंट पे रिपीटेबल है। इसीलिए एड जॉइंट का जो भी एक्सरसाइज है वो आपको एक बार ठीक से एक बार रिवाइज करने के लिए, ये अगर ये आपको इजीली आता है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बात करते हैं इनवर्स की। तो हमने इनवर्स के भी बहुत सारे सम किए हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में, जहाँ पर हमने क्या किया था मैट्रिसेस में इनवर्स कैसे फाइंड किया था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ओके, तो हम कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स टू मेथड से हम डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड कौन से थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स वाली मेथड, एलिमेंट्री मेथड जो हमने चैप्टर नंबर 3 में की थी, और सेकंड मेथड इस चैप्टर में आएगी बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड द इनवर्स। ओके, ध्यान रखना, और इनवर्स का यूज करके हम फाइंड करेंगे सॉल्व इक्वेशन। कौन से टाइप के इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो वाले, हम उस पेयर में उसका यूज करेंगे। ओके, तो एड जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने 4.3 में किया है। ओके, इनवर्स और सॉल्व द इक्वेशन, तीनों टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ओके, अब देखो एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एड जॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। तो फर्स्ट हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया। देखो ये ऐसे टू क्वेश्चन है, 1 एंड 2, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, तो आपको अपने आप ट्राई करना है, बिकॉज दिस इज वेरी इजी टॉपिक। ओके, अब देखो ये जो भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके, तो ये मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, जब भी हम 2 बाई 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो उसमें हम डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अगर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो ऑलवेज हम क्या याद रखेंगे, उसमें हम कंपल्सरी माइनर और कोफैक्टर का यूज करके ही उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो हमने आगे भी किया हुआ है, और जब भी हम इनवर्स के सम करेंगे तो ध्यान रखना, इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स कब लेना है, जब हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर टाइप्स का मैट्रिक्स होता है। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमें कभी भी उसका इनवर्स नहीं मिलेगा, मीन्स जो भी मैट्रिक्स हमें दिया होता है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है, तो हमें उसका इनवर्स नहीं मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स वाले सब में कंपल्सरी हमें जो भी मैट्रिक्स दिया होगा वो कंपल्सरी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ओके, चलो अब हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ओके, तो उसका सिंबल आपको याद है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। ओके, देखो डायरेक्ट कैसे करना है, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल्स है मींस 1 एंड 4 उसके एलिमेंट है, आपको उसके इंटरचेंज करना है दोनों को, तो यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 1। ओके, जो सेकेंडरी डायगोनल्स है उसके एलिमेंट्स की आपको सिर्फ साइन ही चेंज करनी है, मींस जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा -2 और यहाँ पर क्या होगा -3, तो हमें डायरेक्टली इसका एडजॉइंट मिल गया है। ओके, सिंपल है,
जो भी प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उनके एलिमेंट्स का हमें इंटरचेंज करना है, और जो भी सेकेंडरी डायगोनल्स हैं उसके साइन हमें चेंज करनी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इजी जनरली कर लेता हूँ। ए इक्वल टू गिवन 2 3, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है 2 3 -4 -6। ओके, ये अभी क्वेश्चन दिया हुआ, सिंपल वही मेथड, एड जॉइन ऑफ ए इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट्स को हमें चेंज करना है, सो -6 टू हियर -3 and 4, तो डायरेक्टली हमें उसका एड जॉइंट ऑफ ए मिल गया। ओके, इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर के मैट्रिसेस में एड जॉइंट हम ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन ए इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ओके, हमें इसका एड जॉइंट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड, यहाँ पे एक मेथड हमारी शॉर्टकट है जो हम इस टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड में उसका यूज नहीं कर सकते, उसका यूज हम करेंगे ओनली फॉर JEE, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले जो टेक्स्ट की मेथड है वही इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने जो भी एलिमेंट्स लिखे थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में, तो हम इस सारे एलिमेंट्स को इस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। फर्स्ट ही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारा क्या है, क्या एलिमेंट्स है, A11 से -1 इज A12 A13। ओके, अब देखो एड जॉइंट में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स के हमें को फैक्टर फाइंड करने होते हैं एवरी एलिमेंट्स के, तो हम सारे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट्स के को फैक्टर फाइंड करते हैं। ओके, सपोज ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, उसका हम को फैक्टर लेंगे कैपिटल A11 इक्वल टू, मैंने आपको साइन का भी टेबल एक करवाया था याद होगा। ओके, A11 क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। ओके, ये वाला टेबल कैसे आया, तो आपको पता है हमें कोई भी एलिमेंट का अगर को फैक्टर फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या थी, -1 raised to i + j इनटू माइनर ऑफ गिवन एलिमेंट। ओके, आई मींस आई थ्रो, हमारा एलिमेंट कौन सी रो में है, जेथ में, मींस क्या होता है हमारा एलिमेंट कौन से कॉलम में है। तो सपोज हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं A11, तो यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू 1, जे ऑल्सो 1 1 प्लस 1 हाउ मैनी 2, -1 raised to 2 हाउ मैनी 1। ओके, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा। सेकंड A12, 1 plus 2 how many 3, सो -1 raised to 3 how many -1, इसलिए आगे माइनस होगा। तो इस तरह से हम अगर माइनस वन की पावर क्या होती है इवन, तो पॉजिटिव होगा, और पावर क्या होगी और तो नेगेटिव होगा। इस तरह से हमने टेबल रखा है, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो डायरेक्टली फिर हमें क्या इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना, डायरेक्टली हमें साइन ही पूछ लगी और उसका माइनर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो A11 मीन्स को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मीन्स 1 का हमें को फैक्टर फाइंड करना है। तो चलो साइन हमें क्या दी हुई है, प्लस, इसीलिए प्लस
इनडिटरमिनेंट यू नो हम माइनर कैसे फाइंड करें आपको बता रहे। चलो वन के लिए ओके ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा 3501 ओके। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं सब में डायरेक्टली करूंगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए मैंने वाला एक स्टॉप एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 3 - 3 - 0 इक्वल टू हाउ मैनी थ्री ओके। फिर ए वन टू ओके। चलो 1 + 2 - 3 - 1 - 2 आओ मेरी माइनस, इसलिए आगे माइनस होगा इन ब्रैकेट। अब देखो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान रखना। चलो 1 2 ये वाला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 - 2 - - +2 - 5 = 10 ओके। देन द आंसर इज -10 ओके। नेक्स्ट a 1 3 ओके 1 + 3 = 4 पॉजिटिव होगा इसीलिए डायरेक्टली a 1 3 के साइड ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 - -2 - 3 - 6 इसीलिए +6 = 6 ओके। नेक्स्ट a 2 1 ओके -(in)। ओके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 - 1 - 0 = -1 a 2 2 ओके पॉजिटिव। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 - 1 + 4 = 5 ओके a 2 3 -(in)। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 - 2 - +2 ओके। नेक्स्ट इज गिवन a 3 1 ओके a 3 1 3 + 1 = 4 पॉजिटिव इसीलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 - 6 इज इक्वल टू -11 ओके। a 3 2 -(in)। ओके थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 - 5 - 4 हाउ मेनी 5 - 4 = 1 सो -1। नेक्स्ट a 3 3 ओके इन ब्रैकेट थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 - 3 = 3 -+2 = 5 तो देखो हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हमारे थे, हमने सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर दिए ओके। अब हम इस हमें क्या करना है इसका एडजॉइंट एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए एक बात ऑलवेज ध्यान रखना RI2CI ओके। ये हमने ऑपरेशन आगे के लेसन में चेक किया हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है एवरी रो कन्वर्ट इनटू एवरी कॉलम ओके। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, जब हमारी फर्स्ट रो के को फैक्टर क्या है a 1 1 a 1 2 a 1 3 हमें उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है इसीलिए a 1 1 a 1 2 a 1 3 ओके a 2 1 a 2 2 a 2 3 and a 3 1 a 3 2 a 3 3 ओके इस तरह से हमें लिखना है। जो भी हमने को फैक्टर फाइंड किए वो हमने कॉलम रो में लिखे, अब उसको हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर इक्वल टू फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है 3 - 12 = 6 तो यहाँ पर क्या होगा 3 - 12 = 6
ओके नेक्स्ट 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 एंड 5 तो ये हमारा आया एडजॉइंट ऑफ ए। तो थर्ड ऑर्डर में जब भी हमें एडजॉइंट ए 5 करना होता है तो हम ये वाली मेथड का यूज करेंगे। ओके सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, सिर्फ इसका वेरीफाई बहुत ज्यादा लेंथी है, बाकी सब इजी है। ओके इनवर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें आएगा तभी हमें इनवर्स फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि इनवर्स की आपको फॉर्मूला पता है। ओके कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स की फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, इसीलिए कंपल्सरी हमें एड जॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। ओके ये हमारी फर्स्ट मेथड थी जो बुक दी हुई है, अब हम एक और मेथड करके आपको दिखा दें जो शॉर्टकट मेथड है। ओके वो भी सिंपल मेथड है। तो क्या करना है, हमें जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है पहले उसको सारे एलिमेंट्स आप लिख लो, 1 -1 2 2 3 5 -3 0 1। ओके अब यहाँ पर देखो जो फर्स्ट और सेकंड हमें रो दी हुई है उसको आप फिर से नीचे लिख दो, तो यहाँ पर क्या होगा 1 -1 2 2 3 5। ओके फिर फर्स्ट और सेकंड और को फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1 2 -2 1 2 and -1 3 0 -1 3। ओके सिंपल है, फर्स्ट हमें जो भी मैट्रिसेस दिया हुआ है उसको लिखना है, उसकी फर्स्ट दोनों रो को एग्जैक्टली उसके नीचे लिखना है, फिर बाद में यहाँ पर क्या लिखना है तो कॉलम में लिखना है। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप इग्नोर कर दो। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप इग्नोर कर दो। ओके अब यहाँ पर देखो ये जो है आपका इसको इस तरह से स्क्वायर बनाओ, ये फर्स्ट स्क्वायर आया, ये सेकंड स्क्वायर आया और ये थर्ड स्क्वायर आया, एज इट इज ये उसके बाद का स्क्वायर होगा, इस तरह से हमें राउंड करना है। तो क्या हमें थोड़ा इजी लगेगा, मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट एक ही रो के एलिमेंट लूंगा, आप ध्यान रखना। ओके तो यहाँ पर क्या होगा 3 - 3 -0। ओके तो यहाँ पर क्या होगा 3, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ध्यान रखना, फिर 5 - 10 - 2 हाउ मैनी -12। ओके 2 × 0 = 0 - 2 × 3 = 6 - −6 + 6। ओके इस तरह से 0 × 0 = 0 - 1 - −+ इसीलिए 1। ओके यहाँ पर 1 × 1 = 1 + 4 हाउ मैनी 5। ओके -2 × −1 = 2 - 0 इसीलिए यहाँ पर 2 हुआ, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा −1 × 5 - −5 - 6 - 11। ओके 2 × 4 = 4 - 5 -1 and 1 = 3 3 + 2 हाउ मेनी 5। ओके अब क्या करना है, आप समझ सकते हो क्या है क्वेश्चन को देख के, इसको आपको आर आई टू सी आई में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर होगा एड जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 3 - 12 = 1 5 2 - 11 - 1 and 5। ओके तो हमारा आंसर मिल जाएगा।
आप इस मेथड का यूज JEE में कर सकते हो, ओके। बोर्ड की एग्जाम में आप ये नहीं कर सकते, ओके। क्लियर, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो आपको इस तरह से इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है आपको ये वाले होमवर्क में करना है। नेक्स्ट सेशन में आपको बाद में हम आगे करेंगे, तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है। ए इनटू एफ जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई, हमें ये प्रूव करना है। सॉरी, ए इनटू एफ जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एफ जॉइंट ऑफ ए इनटू ए, हमें ये प्रूव करना है। तो आपको डायरेक्टली पता है कि आपको यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ऐसे में कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन, इनवर्स वाले क्वेश्चन कैसे करने वाले डिस्कशन करेंगे, ओके। चलो बाय। थैंक यू।